तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब भी एक न्यूरॉन सिग्नल पास करता है दूसरे न्यूरॉन को, अगर वो ठीक तरीके से पास नहीं हुआ या फिर वो सिग्नल दूसरे न्यूरॉन ने नहीं लिया, तो वो सिग्नल वो बॉडी के या फिर वो ऑर्गन के ऊपर काम नहीं करता। तो ये कंटेंट ज़्यादा रहने की वजह से वो पूरे आपके सेल्स और पूरे बॉडी के अंदर वो सिग्नल पास करेगा। अगर ब्लड वेसल कोई अगर ऐसे दब भी गई है तो उसको भी वो ओपन करने का काम करता है। दूसरे चीज़ में अगर हम बोले कि क्लॉटिंग अगर है तो वो भी निकाल देगा। ब्लॉकेजेस तो ब्लॉकेजेस भी दूर होते हैं, तो पैरालिसिस को भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलता है। क्यों? अगर हम देखें कि एक साल के बाद एक अभी पैरालिसिस होता है, एक साल के बाद वो ऐसे भी ठीक हो जाएगा, तो अपने प्रोडक्ट से तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे पास में 3 पेशेंट्स हैं जी, यूथफुल स्टेज में, मैरिज स्टेज में है। इन्होंने मुझे एक ही बात बताई है, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने प्रोडक्ट लिया तो फर्स्ट नाइट में तो उनका एक अच्छा किक मिला उनको, तो सेकंड और थर्ड नाइट में उनको उस टाइप का नहीं हुआ। नॉर्मल लेवल से ये है, तो ये जो इरेक्टाइल पोजीशन थी उनकी वो पहले से थोड़ी इम्प्रूव थी, लेकिन फर्स्ट नाइट इतने थे। अच्छा, तो अभी सर अगर किसी तरीके की डिसीज या डिसऑर्डर अगर हम बोले, हार्मोनल इम्बैलेंस भी अगर हम बोले, टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर उनके एक नेचुरल एक्साइटमेंट से जाता ही नहीं होगा, तो उनको ये थोड़ा 8 से 15 दिन अगर वो यूटिलाइज करे तो उनका वो जो एवरेज लेवल है वो बढ़ जाए, हो जाएगा 100% हो जाएगा। और किसी लोगों को अगर मान के चले कि कोई उसकी दिक्कत नहीं है, तो 2 से 3 दिन या 4 दिन भी एक टाइम यूटिलाइज करने के बाद 4 दिन तक भी उसका इफेक्ट हमें देखने मिलता है। अपना प्रोडक्ट जो पहले सैंपल जो दिया था वो मैंने इतना से ही लिया तो जो रिजल्ट ऐसा आया मैंने आपको बताया। अगर अपना प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा है और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, तो प्रोडक्ट एजेंट लोगों को कंटिन्यूसली 100% बेस देना चाहिए। यस, 100% देना चाहिए। जनरल पेशेंट अल्कोहलिज्म जर असल एक ही सेकंड ना अल्कोहलिज्म अगर करते हैं तो ये प्रोडक्ट को उस टाइम पे कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप साल भर भी अगर लेते हो तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग अल्कोहल एट नाइट, तो उसके एडवर्स टाइम पे आपको ये प्रोडक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल सुबह लेना है, प्रोडक्ट लेने के 2 घंटे बाद या पहले अल्कोहलिज्म करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये एक ही कंडीशन है, बिकॉज अल्कोहलिज्म में एसिड तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उस एसिड में अपना प्रोडक्ट डिग्रेड होता है, तो वहाँ पे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो लोग पिछले कुछ सालों से या बहुत सालों से कंटिन्यूसली अल्कोहलिज्म करते हैं तो उनके अंदर भी रिजल्ट मिलने के चांसेस पहले दिन या 2 दिन में थोड़े से कम है। विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। आदत छूटते हाँ, जितने भी आप नेगेटिव साइंस हमारे बॉडी में है वो धीरे धीरे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें छोटे न्यूबॉर्न बेबी को, अगर अच्छी स्मेल आए तो वो रोता नहीं है, मगर सिगरेट का स्मोक आए तो वो रोता है। इट मीन्स हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी को ये चीज़ पता है कि विच वन इज गुड विच वन इज बैड। तो हमारे सेल्स 90 डेज में डबल बनते हैं, 120 डेज में कोई ऑर्गन के सेल्स डबल जनरेट होते हैं हमारे बॉडी में, नए बनते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट हम लेते हैं लगभग 3 महीने तक कंटिन्यू, तो हमारी जो नई सेल बनती है वो 100% ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी, फ्री रेडिकल्स कैपेसिटी निग्लिजिबल अमाउंट पर रहेगी। तो आपकी जो सेल नहीं बनती है तो उनको वो चीज़ें याद आती है कि उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन वो ठीक से काम करेगा। सर ये प्रोडक्ट अपने कोरोना वालों को दे सकते हैं ना? दे सकते हैं सर, किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इससे आप बहुत दूर रहोगे। अभी देखिए सर, बहुत लोगों ने गिलोय का काढ़ा शुरू किया था कोविड के टाइम, अगर कोरोना आता ही नहीं तो पता भी नहीं चलता कि गिलोय उसके ऊपर भी काम करता है। तो आयुर्वेदिक में वो एक प्रॉपर्टी है कि जितने चीजें पता है वो तो हम बता रहे हैं, जो चीजें पता नहीं है उसके ऊपर भी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। जो पॉजिटिव हो रहा है उसको भी ओमिक्रॉन वाले सबको कैंसर के लिए क्या?
हाँ सर, कैंसर पेशेंट के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें। इसके अंदर सैपोनिन नाम का एक कंटेंट है जो ऑलमोस्ट 15 इंग्रेडिएंट के अंदर पाया गया हमारे प्रोडक्ट में, तो वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, आई एम टॉकिंग अबाउट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बोल के काम करता है। अगर कीमोथेरेपी किसी पेशेंट की शुरू है तो ये प्रोडक्ट यूटिलाइज करने के बाद 99% कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट उनके बॉडी पे नहीं होते, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी के ऊपर कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट या फिर रेडिएशन का ट्रीटमेंट शुरू है। किलिंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही, सवाल ही नहीं, मगर उसके साइड इफेक्ट जो है वो कम हो जाएंगे। और जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अगर लेते रहेंगे तो उनको लाइफ में कभी कैंसर होने के चांसेस नहीं है। मैं से नहीं बोलता कि होगा ही नहीं, मगर चांसेस 99% सेफ हो गए। कैंसर विषय का रिजल्ट आ लेता हूं मैं। हां हां, हमारे पास रेडिएशन इंफेक्टेड मेरे को भी ये प्रोडक्ट अच्छे तरह से इफेक्ट करेगा। यस, ओके, मैंने रेडिएशन के पेशेंट खुद ट्रीट किए। हां, तो उनको आप दे सकते हो और एक या फिर 100% रिकवर किया हमारे पेशेंट्स को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, और कंप्लीट नेचुरोपैथी से रिकवर किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैं 85 एज में भी 100% फिट और परफेक्ट था। यस यस, ये प्रोडक्ट लेने के बाद में ऐसा तो मुझे कोई ज़्यादा ये फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अपने बॉडी का अल्कलाइन एसिड रेशियो जो है yes, वो प्रॉपरली मेंटेन किया है। करेक्ट, उसमें कोई कम ज़्यादा है, तो फिर भी मैं ये प्रोडक्ट ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, डेफिनेटली। किसी भी पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर अगर प्रोडक्ट ले रहे हो, सपोज 3 महीने आपने यूटिलाइज किया उसके बाद बंद किया, तो फिर से वो जो डिसऑर्डर है या फिर डिसीज है वो फिर से आएगा, ऐसा नहीं होता आयुर्वेदा में। वो अगर गया तो 100% गया, तो इसकी आदत भी नहीं लगती कोई चीज़ में। जैसे सर बाईपास सर्जरी कर रही हो, जैसे उस बाईपास जिसने करवाई हो, उसको ये प्रोडक्ट कैसे लेना है? कम मात्रा में देना है, 25% माने दिन का सिर्फ 2.5 ग्राम, सुबह थोड़ा सा, शाम में थोड़ा सा, उतना ही दिए। 5 ग्राम नहीं चलेगा? 5 ग्राम बहुत ज़्यादा होगा। कैसे सर, कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर में जो लोग एलोपैथी का मेडिकेशन लेते हैं ना, उनके बॉडी में नेचुरली हीट का कॉन्सेंट्रेशन 50% पहले से बढ़ा हुआ है, वो सैचुरेट होता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, हीट भी बढ़ता है, तो आपने लोगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो पहले थोड़ा कम, जैसा जैसा उनको रिलैक्स लगने लगेगा वैसा वैसा हम वैसे बढ़ा सकते। जी थैंक यू सो मच, मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी गुरुजनों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।